2024 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अगले साल होने वाले दो ICC इवेंट्स पर रहने वाली है, जिसमें से एक फरवरी के महीने में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी रहेगी, जबकि दूसरा जून के महीने में होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि इस बार रास्ते में भारत के सामने एक ऐसी टीम खड़ी है जिसने 2023 में भारत के दो ICC इवेंट के फाइनल को जीतने का सपना चकनाचूर किया था। 2024 में तो भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम पर कर लिया है, लेकिन 2023 में भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था। इन दोनों ही फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ही एक बड़ी रुकावट बन सकती है। कैसा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल, कैसा है इंडिया का शेड्यूल इस बार के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए, उसकी सारी कहानी आपको बताएंगे आज। फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद एक लंबे ब्रेक पर चल रही है। टीम इंडिया की अगली सीरीज का आगाज 19 सितंबर से बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाला है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का सफर शुरू करेगी। पहले भारत को बांग्लादेश के सामने दो टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेलनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने अक्टूबर नवंबर में भारतीय क्रिकेट टीम को तीन टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। ये पांचों मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे, लिहाजा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए स्पिन अनुकूल पिचेस होंगी, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जीतना काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन भारतीय टीम का असली मुकाबला और असली मुसीबत शुरू होगी इसके बाद, जब 22 नवंबर से भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाकर पांच टेस्ट मुकाबलों की बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलनी है। हालांकि 2016 से आज तक ऑस्ट्रेलिया कभी भी भारत को बॉर्डर गवास्कर सीरीज में मात नहीं दे पाई है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भी बदला लेने को तैयार होगा। फिर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ पाना इतनी आसान चुनौती नहीं रहने वाली है, वो भी खासकर ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद। 2016 से आज तक चार बार बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई है, दो बार भारत ने और दो मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें चारों मर्तबा भारत को ही जीत मिली है। किस तरह से नजर आता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल, फिलहाल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम नंबर एक पर मौजूद है। 9 में से 6 मुकाबले जीतकर और 2 मुकाबले हारने के साथ भारत के पास 68.52% अंक है। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 4 महीने में 10 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। अगर भारत 10 में से 9 मुकाबले भी जीत जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जगह लगभग तय हो जाएगी। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल में भारत के नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड मौजूद है। ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका भारत से ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने बचे हुए ज्यादातर मुकाबले जीत जाती है तो फिर भारत के लिए कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस बचे हुए साइकिल में ऑस्ट्रेलिया को केवल 5 मुकाबले भारत के सामने खेलने हैं, जबकि न्यूजीलैंड को श्रीलंका, भारत और इंग्लैंड के सामने कुल 3 श्रृंखलाएं खेलनी हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को चाहिए कि वह खुद ज्यादा से ज्यादा मुकाबले जीतकर अपने बलबूते पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम ऐसा नहीं चाहेगी कि वह किसी और टीम के आसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की उम्मीदों को कायम रखे।